मेज की बात करेंगे अपन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेज के बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की और उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, सबसे पहले तो शुरू करते हैं बॉटनिकल नेम से। क्या होता है? जिया मेज, सभी लोग जानते होंगे। एल, अच्छा ये बहुत कम लोग जानते होंगे। एल का मतलब क्या होता है? आपने बहुत सारे बॉटनिकल नेम में देखा होगा, कोई भी बॉटनिकल नेम जब एंड होता है तो लास्ट में एल लगा देते हैं। तो इस एल का मतलब क्या है? एक वैज्ञानिक है कार्ल लिनियस, उन्हीं के नाम पर रखा गया है एल। ये जो है ना, लिनियस का ही एल है। कार्ल लिनियस वे सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सभी प्लांट के बॉटनिकल नेम दिए थे, और जिस साइंटिफिक नेम के पीछे या जिस बॉटनिकल नेम के पीछे एल ना लगा हो, कोई दूसरा ही कुछ लगा हो, तो समझ जाना कि उसका नाम लिनियस ने नहीं दिया। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी बॉटनिकल नेम है वे सब कार्ल लिनियस ने ही दिए थे। ठीक है भाई, तो जिया मेज ये बॉटनिकल नेम भी कार्ल लिनियस ने दिया था, इसलिए इसके पीछे भी क्या लगा देते हैं? एल। इसके भी एल लग गए। और देखो भाई, फैमिली क्या है मेज की? फैमिली है पोएसी, और पुरानी फैमिली ग्रैमनी। अभी नया नाम क्या चलता है? पोएसी, और कई बार ग्रैमनी भी आता है, तो दोनों याद रखना, पोएसी और ग्रैमनी। क्रोमोसोम नंबर बताइए। मेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 2n=20। ठीक, ऑरिजिन की बात कर लो। मेज का ऑरिजिन क्या है? मैक्सिको। कई किताबों में आपको साउथ अमेरिका भी मिल जाएगा। दोनों में से किसको चुने फिर, अगर दो ऑप्शन आ जाए तो? देखो, अगर हम बात करें एनआई बेबीलोब की, जिन्होंने सेंटर ऑफ ऑरिजिन दिए थे, तो उनके अकॉर्डिंग तो साउथ अमेरिका क्या है? सेंटर ऑफ ऑरिजिन है मेज का। ठीक है, लेकिन जितनी भी कॉम्पिटेटिव बुक्स हैं और बाकी की जो दूसरी बुक्स हैं उसमें दिया रहता है ऑरिजिन मैक्सिको। इसको माना जाता है सेंटर ऑफ डोमेस्टिकेशन। ये दोनों चीज़ें आप याद रखना, दोनों में से कोई एक चुनना पड़े तो आप आंसर लगा देना मैक्सिको पर। ठीक है, और देखो ये जो जिया मेज है ये किस स्पीसीज से ओरिजिनेट हुई है? ये ओरिजिनेट हुई है एक फॉर्डर मेज से। एक फॉर्डर मेज है जिसका नाम है टियोसेंट। क्या नाम है इसका? टियोसेंट। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेज जो जिया मेज है ये किस फॉर्डर मेज से ओरिजिनेट हुआ है। तो वो फॉर्डर मेज कौन सा है? टियोसेंट। ठीक है, इसके बॉटनिकल नेम क्या है? यू क्लाइना मैक्सिकाना। ये बॉटनिकल नेम भी इसका याद रखना, टियोसेंट का बॉटनिकल नेम है यू क्लाइना मैक्सिकाना। ठीक है भाई, और देखो मेज क्रॉप की कोई भी वाइल्ड स्पीसीज नहीं होती, ये बात आप याद रखना। नो वाइल्ड स्पीसीज, कोई भी वाइल्ड स्पीसीज मेज क्रॉप की नहीं होती। मेज क्रॉप के अंदर कोई टिलर भी नहीं होते, ध्यान रखना, ये एक नॉन टिलर प्लांट है। मेज कैसा प्लांट है? नॉन टिलर प्लांट। आप लोगों ने बाकी क्रॉप्स देखी होंगी, जैसे कि वीट देखा होगा आपने, राइस देखा होगा, इनके अंदर टिलर्स पाए जाते हैं। एक ही प्लांट में बहुत सारे प्लांट बाहर निकलते हैं, जबकि मेज के अंदर ऐसा नहीं होता। इस तरह से आपने देखा होगा ना, अगर गेहूं की बात करें तो इस तरह से आपने देखा होगा गेहूं का पौधा कुछ ऐसा रहता है, 1 2 3 4 5, इसमें मैंने 5 टिलर्स बनाए। तो जो बहुत सारे प्लांट निकलते हैं एक ही सीड से, उसे कहते हैं टिलर्स। ठीक है, मेज के अंदर क्या होता है? एक सीड से सिर्फ एक प्लांट निकलता है, मतलब मेज जो है वो नॉन टिलर प्लांट है। ठीक है भाई, मेज इसके साथ ही साथ C4 प्लांट भी है। अब ये C4 प्लांट क्या होता है? ऐसे प्लांट जिनके अंदर C4 साइकिल होती है उन्हें C4 प्लांट कहा जाता है। जिन प्लांट के अंदर सिर्फ C3 साइकिल होती है, C4 साइकिल नहीं होती, उन्हें C3 प्लांट कहा जाता है। अब ये C3 साइकिल, C4 साइकिल, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, YouTube पर डले हुए हैं, मेरे चैनल पर आप जाके देख लेना। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी प्लेलिस्ट में वो वीडियो डले हुए हैं जिसमें क्लियर मैंने सब कुछ बता दिया है कि C4 साइकिल क्या होती है, C3 साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो मेज कैसा प्लांट है? C4 प्लांट, मतलब इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज़्यादा होती है।
ठीक है। इसके अलावा मेज डे न्यूट्रल प्लांट भी है, मेज डे न्यूट्रल प्लांट भी है। डे न्यूट्रल प्लांट से मतलब होता है कि मेज के अंदर जो फ्लावरिंग होती है ना, वो दिन और रात पर डिपेंड नहीं करती, वो लाइट पर डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डे एंड नाइट, ठीक है। उसे कहते हैं अपन डे न्यूट्रल प्लांट, ऐसे प्लांट को कहा जाता है डे न्यूट्रल प्लांट। तो C4 प्लांट भी है, डे न्यूट्रल प्लांट भी है। इसी वजह से मेज के अंदर जो यील्ड पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यील्ड पोटेंशियल है मेज के अंदर, किस में, अमंग दी सीरियल्स, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा उपज देने की क्षमता किस में है, मेज में है। इसीलिए मेज को क्यून ऑफ दी सीरियल्स भी कहा जाता है। किंग ऑफ सीरियल किसको कहते हैं, किंग ऑफ सीरियल कहा जाता है वीट को, ठीक है भाई। तो मेज को क्यून ऑफ सीरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर उपज देने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है सीरियल्स। मेज एक मोनोसियस प्लांट है, कैसा प्लांट है, मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट का मतलब हो गया कि इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो मेज एक मोनोसियस है। मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे। इसमें जो मेल फ्लावर होता है उसे टैसल कहा जाता है, ठीक है, फीमेल फ्लावर को सिल्क कहा जाता है। ये जो टैसल होते हैं ये करते हैं, ये क्या है, इसके मेल पार्ट है, इसका मेल फ्लावर है, ये पॉलन ग्रेन बनाते हैं, और ये सिल्क पार्ट है, इसके अंदर बनते हैं ओव्यूल, एग। तो ये जो टैसल होते हैं ना, ये पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, ये पहले मैच्योर होते हैं, जबकि सिल्क जो है वो फीमेल पार्ट है, वो बाद में मैच्योर होते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन पहले ही अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन उन पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइज करने के लिए जो एग चाहिए वो नहीं बन पाते। मतलब इस तरह की जो कंडीशन होती है जिसमें मेल पहले मैच्योर होता है, उस कंडीशन को कहा जाता है प्रोटेंड्री। उसे क्या कहा जाता है, प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए। तो मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, अब फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल तो है ही नहीं अभी, क्योंकि मेल इमैच्योर कंडीशन है। इस वजह से मेज के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसीलिए मेज एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है भाई। कैसी क्रॉप हो गई मेज, एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। न्यूट्रिएंट कंडीशन की बात कर लो भाई, न्यूट्रिएंट कंटेंट, क्या न्यूट्रिएंट कंटेंट है। मेज के अंदर एक प्रोटीन होता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, उस प्रोटीन को कहते हैं हम जीन प्रोटीन। इसके अंदर रेंज होती है 7-10%, ठीक है, ये रेंज आप लोग याद रखना। मेज के अंदर ऑयल भी पाया जाता है, 4% ऑयल होता है। मेज के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कितना, 70%। मेज के अंदर एल्ब्यूमिनोइड भी होता है, और एल्ब्यूमिनोइड होता है 10.4%। मेज के अंदर क्रूड फाइबर भी होता है, और क्रूड फाइबर होता है 2.3%, ठीक है। तो ये तो बात की हमने मेज के न्यूट्रिएंट कंटेंट की। अब बात कर लेते हैं मेज के क्लासिफिकेशन की। मेज के अंदर बहुत सारी सब स्पीसीज हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे किप्स, KIPPS, इन्होंने 1959 में मेज को 7 सब स्पीसीज में क्लासिफाई किया। कितनी सब स्पीसीज में, 7 सब स्पीसीज में। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, किप्स। बात कब की है, 1959 की। कितनी सब स्पीसीज में क्लासिफाई किया, 7 सब स्पीसीज में। यानी मेज की हमें अभी 7 सब स्पीसीज पढ़नी है। देखो भाई, सबसे पहली बात करेंगे हम फ्लिंट कॉर्न, ठीक है। फ्लिंट कॉर्न, इसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज इंडुराटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इंडिया के अंदर यही ग्रो किया जाता है, इसलिए इसे इंडियन कॉर्न भी कहते हैं, ठीक है भाई। कौन सा, फ्लिंट कॉर्न, जिया मेज इंडुराटा। ये जो है इसका सीड जो है उसके अंदर सॉफ्ट एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। कलर की बात करें तो येलो और वाइट कलर के सीड होते हैं इसके। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि मेज का येलो कलर किसकी वजह से होता है, तो मेज के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है जिया जेंथिन। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना।
कि मेज का येलो कलर किसकी वजह से होता है, जिया जेंथिन की वजह से। ठीक, और देखो एक है डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न का बॉटनिकल नेम है जिया मेज आईडेंटा। ठीक है, ये जो डेंट कॉर्न है ये बेसिकली ग्रो किया जाता है यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर जितना भी कॉर्न मेज जो कल्टीवेट होता है उसका 95% कल्टीवेशन इस डेंट कॉर्न का ही होता है। यानी यूएसए के अंदर 95% कल्टीवेशन किसका होता है, डेंट कॉर्न का। ठीक है भाई, इसमें इसको डेंट कॉर्न क्यों कहते हैं, डेंट ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग कहते हैं ना भाई मेरी कार में डेंट पड़ गया, मेरी बाइक में डेंट पड़ गया। डेंट मतलब जो दोंचा हो जाता है कहीं पर, थोड़ा सा दबा हुआ हिस्सा, उसे कहते हैं डेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, जिया मेज आइडेंटा का जो ग्रेन होता है उसके ग्रेन के टॉप पर एक डेंट पड़ जाता है सुखाने पर। जैसे इसके ग्रेन को हम ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, तो उसका जो टॉप होगा वहाँ पर वो धस जाएगा, एक डेंट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेंट कॉर्न। ठीक है, ये जो डेंट कॉर्न होता है ये भी येलो और वाइट कलर में पाया जाता है। ठीक भाई, और देखो एक होता है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज एवर्टा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो भाई क्या होता है, जब पॉपकॉर्न इस जिया मेज एवर्टा की जो ग्रेन होते हैं, जो कर्नेल होते हैं, उसको जब हम हीट करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, इसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उन ग्रेन के अंदर, इस मक्का के दाने के अंदर जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टीम में। स्टीम मतलब वेपर, भाप में बदल जाएगा, और इस स्टीम की वजह से क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा, और उस प्रेशर की वजह से वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाएगा, उस सीड में क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, जिसकी वजह से कर्नेल जो है वो बस्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं ना भाई पॉपकॉर्न जो फूट फूट कर बाहर निकलते हैं, वो फूट फूट कर बाहर क्यों निकलते हैं, इसी वजह से, जब टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उसका मॉइस्चर सारा स्टीम में, भाप में बदल जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर की वजह से वो एक्सप्लोड हो जाते हैं और एक पॉपकॉर्न की तरह वो उछल उछल कर बाहर निकलते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो पॉपकॉर्न है ना, ये फ्लिंट कॉर्न ही है, ये सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है किसके, फ्लिंट कॉर्न के। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसके अंदर हार्ड एंडोस्पर्म होता है, इसमें हार्ड एंडोस्पर्म होता है, साथ में स्मॉल सीड होते हैं, बस इतना अंतर है, बाकी का ये सब कुछ फ्लिंट कॉर्न जैसा ही है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना इसकी फूटने की, एक्सप्लोजन की, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको नाम दिया गया है पॉपकॉर्न। देखो फोर्थ कौन सा है, एक स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न का बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज सैकराटा। देखो भाई नाम से समझ में आ रहा है स्वीट कॉर्न, मतलब ये टेस्ट में कैसा होगा, स्वीट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर शुगर ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू स्टार्च, स्टार्च के कंपैरिजन में शुगर इसके अंदर ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस स्वीट कॉर्न को हम इमैच्योर कंडीशन में ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, इमैच्योर कंडीशन में ही इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, और इमैच्योर कंडीशन में शुगर ज़्यादा होता है, स्टार्च कम होता है। जैसे ही कोई क्रॉप पकने के लिए तैयार होती है, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकल भी किया होगा, कोई भी सीरियल क्रॉप हो, आप जब उसे इमैच्योर कंडीशन में खाओगे ना तो वो मीठी रहती है, क्योंकि उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। धीरे धीरे जब वो पकती है, मैच्योर होती है, तो उसका शुगर कन्वर्ट होने लगता है स्टार्च में। तो यहाँ पर स्वीट कॉर्न में भी यही चीज़ होती है, स्टार्च में कन्वर्ट होने से पहले ही उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है भाई, स्वीट कॉर्न हो गया। एक होता है फ्लोर कॉर्न, फ्लोर कॉर्न का बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज अमाइलिका। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली फ्लोर में, इसके बारे में इतना याद रखना है, और कुछ याद करने के लिए है नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट थे वो चार यही थे, अब ज़्यादा नहीं है। एक होता है पॉड कॉर्न, पॉड कॉर्न का होता है जिया मेज ट्यूनिकेट्स। ये बॉटनिकल नेम तो सबके याद रखने हैं आपको, सातों की सातों के। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है पॉड कॉर्न में, जो हर एक कर्नेल होगा, ईच ग्रेन, हर एक कर्नेल, हर एक ग्रेन कवर्ड होता है एक हस्क के, एक सेपरेट हस्क से वो कवर्ड रहता है।
ये ठीक वैसा ही लगेगा जैसे कि आपने गेहूं और धान देखी होगी। गेहूं और धान में क्या होता है, हर एक ग्रेन के ऊपर एक छिलका होता है, हर एक ग्रेन के ऊपर अपना हस्क रहता है। सेम कंडीशन यहाँ पर होती है, यहाँ पर भी क्या होता है, हर एक ग्रेन जो होता है वो एक सेपरेट हस्क से कवर्ड होता है। हस्क को हम हस्क को हम पॉड भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, पॉड कॉर्न। एक होता है वैक्सी कॉर्न, ठीक है। देखो ये सात जो है आपको सातों की सातों याद रखने हैं, ठीक है। सात, हाँ इसको भी देख लो भाई, सातवां कौन सा है आपका, जिया मेज, इसमें एस जरूर लगा देना भाई, पर लगाना भूल गए, जिया मेज सर्टेना, ठीक है भाई। देखो हाँ, एक जो पॉडकॉर्न था ना, इसका कोई यूज़ नहीं है, नो कमर्शियल यूज़, ये पॉइंट भी आप याद रखना, इसका कोई भी कमर्शियल यूज़ नहीं है। ये जो सात हमने पढ़े हैं ना, इसमें सात में से अकेला पॉडकॉर्न ही है जिसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है। वैक्सीकॉर्न जिया मेज सर्टेना, इसके अंदर वैक्सी एंडोस्पर्म होता है, वैक्सी एंडोस्पर्म होता है, और इसका यूज़ किया जाता है एडहेसिव बनाने में। एडहेसिव मतलब गोंद बनाने में, कोई भी चिपचिपा पदार्थ बनाने में, जिसका यूज़ हम चिपकाने वगैरह के लिए कर सकें, ठीक है। तो ये बात की हमने सेवन सब स्पीसीज़ की, इन सेवन सब स्पीसीज़ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये सभी सेवन सब स्पीसीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब थोड़ी सी हाइब्रिड के ऊपर बात कर लेते हैं और आज का टॉपिक अपन इसे ख़त्म करते हैं, जिससे अगली क्लास में अपन बात करेंगे सीधे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की। सिर्फ दो लेक्चर में ही ख़त्म करना है मेज को, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ हाइब्रिड की। आप लोगों को पता होगा ICAR ने सबसे पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट 1957 में चलाया था। ये सबसे पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है जो ICAR ने 1957 में चलाया था। आपको पता है ये किस क्रॉप के ऊपर चलाया गया था, वो क्रॉप थी मेज। मेज ही वो भाग्यशाली क्रॉप थी जिसके ऊपर सबसे पहली बार ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट 1957 में ICAR द्वारा चलाया गया, और इसकी सफलता मिली 1961 में, जिसकी वजह से चार हाइब्रिड डेवलप हुए, जिसमें से सबसे पहले हाइब्रिड पर क्वेश्चन आता है वो है गंगा वन। ये सबसे पहला हाइब्रिड था, फर्स्ट हाइब्रिड इसके ऊपर। हालांकि और भी बने थे इसके अलावा, गंगा 101, डक्कन, वो भी लिख लो, गंगा 101, एक है डक्कन, वही बात है भाई। चांद पर सबसे पहले कौन उतरा था, नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा कौन उतरा था कोई नहीं जानता, वही चीज़ यहाँ पर। सबसे पहला हाइब्रिड कौन था, गंगा वन, जो कि फर्स्ट हाइब्रिड था। इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। गंगा वन सबसे पहला हाइब्रिड था जो 1961 में बनाया गया था इसी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट की वजह से। जब यहाँ सक्सेस मिली तो बाकी दूसरे क्रॉप पर भी फिर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये जो गंगा हाइब्रिड बनाया है ना, यहाँ पर टेक्निक कौन सी यूज़ की गई थी, यहाँ पर टेक्निक यूज़ की गई थी डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक। ये डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक पर क्वेश्चन आता है कि मेज के अंदर डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक किस वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार यूज़ की थी, वो वैज्ञानिक थे DF Jones। इन्होंने 1920 में इस टेक्निक का आविष्कार किया था। DF Jones ने डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक दी थी 1920 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डबल हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसमें चार पेरेंट यूज होंगे, जैसे कि दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, कोई दूसरे दो प्लांट और ले लिए उनके बीच में क्रॉस कराया, यहाँ से एक हाइब्रिड बनेगा F1, यहाँ से भी एक हाइब्रिड बनेगा, इसको नाम दे दो मान लो F1, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस करा दो, इसके हाइब्रिड को और उसके हाइब्रिड को क्रॉस करा दो, तो यहाँ पर जो नया हाइब्रिड बनेगा ना, यही है डबल क्रॉस हाइब्रिड। आई बात समझ में, इस तरह की टेक्निक, और सबसे ज़्यादा टेक्निक इंडिया के अंदर यही यूज़ हो रही है, डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक जो DF Jones ने दी थी। एक होती है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि मेज के अंदर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक किसने दी थी, तो वो दी थी ईस्ट एंड सल्ले। ये दो वैज्ञानिक के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, ईयर के साथ आता है, 1910 में दी थी, ठीक है भाई, ये आप लोग याद रखना। देखो और देखो और क्या क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक ओपेक टू जीन। देखो यहाँ पर ना, मैं उन बच्चों को बता देता हूँ जो बच्चे एग्रोनॉमी के हैं, जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट बड़ा वीक रहता है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग उनको नहीं आता,
उनके लिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा याद रखो ओपेक टू जीन, इतना नहीं सोचना कि ओपेक टू जीन क्या होता है, कैसे बना, कहाँ से बना। कायदे से तो ये कोई जीन नहीं होता, ये एक वैरायटी का नाम है, ये एक वैरायटी का नाम है। जीन तो हमने इसे बोल दिया है, जैसे हम लोग नॉरिन 10 होता है ना, नॉरिन 10 को हम क्या बोलते हैं, जीन, जबकि नॉरिन 10 कोई जीन नहीं है। 1934 में जापान के अंदर नॉरिन 10 वैरायटी को डेवलप किया गया था, लेकिन उस वैरायटी को किसी भी किसान ने उगाया नहीं। उसके बाद से ही वो वैरायटी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में यूज़ होने लगी, लोग उसको जीन की तरह यूज़ करने लगे। बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड चल रहा था, उस वक्त US आर्मी के एग्रीकल्चर एडवाइज़र थे डॉक्टर SC सोलोमन, वो उस नॉरिन 10 को जापान से लेकर गए वाशिंगटन, और वाशिंगटन में वो डॉक्टर ओ ए वोगेल को उन्होंने सौंप दिया, और डॉक्टर ओ ए वोगेल से वो नॉरिन 10 गया फिर नॉर्मन बारलोक को मैक्सिको में, और फिर डॉक्टर AB जोशी जो कि IRI के उस वक्त डीन एडमिनिस्ट्रेशन थे, किसी पोस्ट पर थे वो, डॉक्टर AB जोशी ने नॉर्मन बारलोक से वो सीड इंडिया के अंदर मंगाया था, किसका, नॉरिन 10 का, तब वो नॉरिन 10 इंडिया के अंदर आया था। तो आज हम नॉरिन 10 को क्या बोलते हैं, कि जीन है, जबकि नॉरिन 10 तो एक वैरायटी थी, लेकिन उसका यूज़ नहीं करता कोई कल्टीवेशन में, उसका यूज़ किया जाता है सिर्फ रिसर्च वर्क में, जीन की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना, ऐसे बच्चों को नहीं जाना जिनका ब्रीडिंग और ये सब चीज़ें थोड़ा उनको ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो आप नॉर्मली बस याद रखो ओपेक टू जीन, इस जीन की मदद से लाइसिन रिच प्रोटीन बनाएगा, लाइसिन रिच प्रोटीन वैरायटी बनाएगी, किसकी, मेज की। ये बात भी आप लोगों को पता होगी कि जितनी भी सीरियल्स क्रॉप हैं इनके प्रोटीन में लाइसिन और ट्रिप्टाफैन दो अमाइनो एसिड की कमी होती है, ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। जितनी भी सीरियल क्रॉप के प्रोटीन होते हैं उनके अंदर लाइसिन और ट्रिप्टाफैन अमाइनो एसिड बहुत ही कम होते हैं। तो मेज के अंदर इस ओपेक टू जीन की मदद से लाइसिन रिच प्रोटीन वैरायटी बनाई गई, और वे लाइसिन रिच प्रोटीन वैरायटी कौन सी है, एक है प्रोटीना, क्वेश्चन आता है इनके ऊपर इसलिए बता रहा हूँ, इसके अंदर 4% लाइसिन है, ठीक है। इसके अलावा एक और वैरायटी है शक्ति, ठीक है, शक्ति 1 और शक्ति 2, एक नहीं शक्ति 2 नहीं होती, शक्ति वैरायटी है वो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 में कन्फ्यूज़ हो गया मैं। प्रोटीना 4% लाइसिन होता है, शक्ति हाँ एक होती है रत्तन, ये भी इम्पोर्टेंट वैरायटी है। इसी ओपेक टू जीन की मदद से हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज बनाया गया, हाई क्वालिटी ये भी याद रखना, क्या है ये, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। ये हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज में भी दो वैरायटी के नाम याद रखना आप, तो एक शक्तिमान 1 और दूसरा है शक्तिमान 2 और एक है HQPM1। इनको याद रखना, इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी कई वैरायटीज़ हैं, इसके अंदर कंपोजिट वैरायटी बनाई जाती हैं, सिंथेटिक वैरायटी बनाई जाती हैं। सिंथेटिक वैरायटी में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना अंबर का, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, किसका, सिंथेटिक, चलो लिख लो उसको भी, सिंथेटिक वैरायटी में एक एग्जांपल याद रखो आप, कौन सा, अंबर। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है भाई।